हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी जायकेदार और लजीज बनती है, अगर आपने उसको एक बार बना लिया तो आप उसे बार बार बनाना चाहेंगे। उसका नाम है मुगलई गोभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने आधा किलो गोभी लिया है, इसको मैंने इतना बड़ा बड़ा तोड़ लिया है, और ये मैंने हरा धनिया लिया है, इसको मैंने अच्छे से धोकर रखा है। एक हम इसमें आलू डालेंगे, ये ऑप्शनल है, पर आलू डाले तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और अब हम लेंगे इसमें धनिया, और साथ में इसमें जाएगा कसूरी मेथी। मैंने कसूरी मेथी को खोलकर इसलिए नहीं रखा, ये फिर नरम हो जाती है बाहर रखने से। अब हम पहले मसाला बनाएंगे। ये मैंने 3 प्याज को, बड़े बड़े प्याज लिए थे, उसको मैंने धोकर काट लिया है। 3 लहसुन की कलियां मैंने छील ली हैं, और ये है 1 हरी मिर्च, ये बहुत तीखी हरी मिर्च है इसलिए मैं एक ही डाल रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम लेंगे मिक्सी का जार, उसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, क्योंकि ये मुगलई सब्जी है तो इसमें मसाला बहुत जाता है। और अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने इसको पीस लिया है, और आप देखिए मैंने इसको बहुत फाइन पेस्ट नहीं किया, मैंने मिक्सी में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बिना पानी डाले ही पीसा है। तो इसको ना बहुत बारीक करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। तो अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देते हैं, इसमें हम डालेंगे तेल। तो चूंकि हमें गोभी को और आलू को फ्राई करना है तो हम इसमें ज़्यादा सा तेल लेंगे। मैंने 6 टेबल स्पून इसमें तेल लिया है, मेरा जो चमचा है वो 2 टेबल स्पून का एक चमचा है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी जैसे मैंने बताया, पहले ही मैंने इसको बहुत अच्छे से धो लिया था गोभी को। तो गोभी को अब हमें फ्राई करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, मतलब हमको जो भी ये सब्जी कुक करनी है 70% कुक हो जाए, और 30% हम इसको ग्रेवी के साथ में कुक करेंगे। तो देखिए अभी ये थोड़ी देर में पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस का फ्लेम हाई है। बीच बीच में आप अपने अकॉर्डिंग स्लो भी कर दीजिए, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। अगर गोभी जल गया तो सब्जी में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो आप ध्यान रखें। ये देखिए बहुत हल्का सा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। तो ये गोभी हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो तेल आप इसका निकाल दीजिए अच्छे से। तो इस तरह से मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब उसी तेल में हम आलू डाल देंगे। गोभी के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, और इससे आलू डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी हम हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमको फ्राई। तो ये देखिए स्लाइटली कलर चेंज हुआ है और हमने निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में हम तेल और ले लेंगे थोड़ा सा। मैंने 2 टेबल स्पून तेल और डाला है, और अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। मैं 2-3 छोटे छोटे तेज पत्ते डाल देती हूँ। ये है बड़ी इलायची जिसको मैंने कूट लिया था, और कूट कर मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें लौंग डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, जो चाहे डाल सकते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। क्योंकि मेरा जो गरम मसाला है वो घर का बना हुआ गरम मसाला है, अगर आप मेरे वीडियो में सर्च करेंगे तो गरम मसाला की रेसिपी आपको आराम से मिल जाएगी। वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, और उसमें सारे ये जितने भी मसाले हैं खड़े सब मिले हुए हैं। तो मैं इसमें ज़रा सा नमक डालूंगी, इससे क्या होता है ऑनियन की कुकिंग फास्ट हो जाती है, जल्दी से हमारा मसाला भी भुन जाएगा और प्याज भी जल्दी से नरम हो जाएंगे। तो पहले हम इसे थोड़ा गुलाबी होने तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका, कच्चे में नहीं मसाला मिलाना है। तो अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी डाला है, ये सब्जी थोड़ी स्पाइसी रहती है इसलिए मसाले हम ज़्यादा डालेंगे।
दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, ये तीखी लाल मिर्च है काफ़ी, और अब हम गरम मसाला डालेंगे तो एक छोटी चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से चलाएंगे। तो इसको आप कंटिन्यू चलाते रहिए अच्छे से। मसाले का तरीका यही होता है, जितना ये भुनेगा उतनी ही सब्जी हमारी अच्छी बनेगी टेस्टी। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, इससे क्या होगा मसाले सब आपस में मिल भी जाएंगे और मसाला एकदम फूल जाता है। तो देखिए मैंने पानी डालने से मसाला, देखिए ये सब एक सा हो गया, नहीं तो ऐसे अलग अलग बिखरा बिखरा हो रहा था। तो कंटिन्यू मैं इसको स्लो पे गैस मैंने किया हुआ है, मसाला भुनने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब मैंने क्या किया था, जो दूध की मलाई रहती है वो मैंने ली थी और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लिया था, या फिर आप क्रीम डाल दीजिए। आपके पास अगर क्रीम भी नहीं है तो आप खाली दूध भी डाल सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा कर्ड डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी, कसूरी मेथी को हथेली से क्रश करके डालिए। कसूरी मेथी से एक सब्जी में एक बहुत अच्छा स्वाद आता है, सब्जी का पूरा स्वाद ही बदल जाता है कसूरी मेथी डालने से। तो देखिए अभी मसाले ने तेल छोड़ दिया है तो मसाला अब एकदम हमारा भुनकर रेडी हो गया है। मसाले का तरीका यही है कि तेल छोड़ दे जब ऑनियन, तब आप समझ जाइए कि आपका मसाला भुन गया है। तो अब हम इसमें अपने आलू गोभी डाल देंगे और इसको अभी हम चलाएंगे। चलाने के बाद हम पानी डालेंगे, तो अच्छे से मतलब उसको चलाइए कि पूरा मसाला गोभी में लिपट जाए। तो इसमें कम से कम मैं 1 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि अभी इसको 30% और कुक होना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसको सिम पे रखना पड़ेगा सब्जी को, इसको होने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी इसमें सब्जियां गली नहीं है, नमक डाल देते हैं। तो आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए इसमें। मसाले में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था पर बहुत कम था वो नमक, तो मैंने अभी इसमें डाल दिया है। ये पानी बाद में सूख जाएगा, ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए। अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसे मैं 5-6 मिनट बाद खोलूँगी और फिर चला दूँगी। इस तरह से हम 2 बार ढकेंगे इसको, 2-3 बार, जब तक सब्जी होती नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए मैंने अभी फिर 3-4 मिनट बाद सब्जी को खोल कर देखा है, अभी भी हमारी सब्जी हुई नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में हमको कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये देखिए मैंने फिर इसको 8 मिनट बाद खोल कर देखा है, गैस मैंने बंद कर दिया है, गैस बंद है। तो देखिए सब्जी एकदम तैयार हो गई है बनके, आलू गल चुके हैं, गोभी को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है नहीं तो वो टूटने लगता है फिर। तो देखिए सब्जी एकदम रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो इस सब्जी को आप बनाइए और एंजॉय करिए और खाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। देखिए कितनी लजीज सब्जी बनी है ये, जैसा कि मैंने कहा था इसकी ग्रेवी की जो गाढ़ापन या जो भी सूखापन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस तरह की सब्जी अच्छी लगती है। तो एकदम से लटपटी सी सब्जी बनी है ये। तो आप इसे रोटी, पराठा, नान, रुमाली रोटी, चावल के साथ भी खा सकते हैं आप, ये सबके साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्जी हमारी एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है तो आप ये सब्जी बहुत इजीली बना सकते हैं, या घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ।
थैंक यू सो मच।